Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video. और ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जैसा कि आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो थंबनेल में कि ये वीडियो होने वाली है रेसलमेनिया के रिव्यू पहले दिन के। आप ऑलरेडी जानते हो कि दिस ईयर रेसलमेनिया इज़ टू बिग फॉर जस्ट वन नाइट। सो दो दिन की होने वाली है रेसलमेनिया, जिसमें से एक दिन हम ऑलरेडी देख चुके हैं आज, और बड़े कुछ मैचेस हमें आज देखने को मिले, कुछ छोटे मैचेस, और बाकी बचे हुए मैचेस हमें देखने को मिलेंगे कल। तो आज की अगर मैचेस की बात करें, मैचेस से पहले अगर हम आज स्टेज और एंट्रेंसेस की बात करें, तो कुछ खास हमें एंट्रेंसेस हमें देखने को नहीं मिली जैसे रेसलमेनिया में हमें आदत होती है, जबकि WWE ने ऑलरेडी शूट कर ली थी, ऑलरेडी टेप कर ली थी अपने पहले दिन की और दूसरे दिन की रेसलमेनिया। सो एडिटिंग में कुछ अच्छी एंट्रेंसेज हमें शो कर सकते थे, बट ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। स्टेज भी कुछ खास नहीं थी रेसलमेनिया की, सिंपल ही थी क्वाइट। और अगर मैचेस की बात करें, तो जितना अच्छा मैचेस बना सकती थी WWE, आई थिंक उन्होंने उतने अच्छे बनाए हैं। तो मैचेस में डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है, डिसअपॉइंटमेंट हुई है स्टेजेस से, और कुछ खास अलग देखने को नहीं मिला जैसे कि हमें आदत होती है रेसलमेनिया में। मैचेस के अलावा भी एक दो चीज़ अच्छी देखने को मिलती है, तो कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं। तो अगर पहले दिन की बात करें, तो पहला जो मैच था वो था वुमेंस टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए, जहाँ पर एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस ने कबूकी वॉरियर्स को पिन करते हुए जीता है वुमेंस टैग टीम चैम्पियनशिप। उसके बाद जो दूसरा मैच था, वहाँ पर एलायस ने किंग कॉर्बन को हराते हुए ये जीत हासिल करी है वन ऑन वन मैच में। उसके बाद जो हमें आज का पहला इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिला वो था रॉ वुमेन चैम्पियनशिप के लिए, जहाँ पर हमें बैकी लैंच और साइना ब्लेजर के बीच काफ़ी अच्छा एक मैच देखने को मिला, काफ़ी अच्छी रेसलिंग देखने को मिली। अगर रेसलिंग वाइज देखा जाए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, और इन दी एंड बैकी लैंच ने साइना ब्लेजर को पिन करते हुए अपनी रॉ चैम्पियनशिप को रिटेन किया है। लास्ट ईयर वो रेसलमेनिया में ही जीती थी ये टाइटल स्मैकडाउन टाइटल के साथ, स्मैकडाउन टाइटल वो हार चुकी थी, बट रॉ टाइटल उनके पास तब से है और इस साल भी उन्होंने रिटेन की है ये बेल्ट, और अभी भी वो हैं रॉ की वुमेंस चैम्पियन। उसके बाद एक पर्सनली मेरा फेवरेट मैच था, जहाँ पर केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस आमने सामने थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मैच था, काफ़ी ब्रूटल ये मैच था। पहले ये मैच जो है डिसक्वालीफाइड तरीके से केविन ओवेंस जीत जाते हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस जो है रिंग बेल केविन ओवेंस के मार देते हैं और रेफरी इस मैच को जो है डिसक्वालीफाइड कर देता है, और डिसक्वालीफिकेशन के तरीके से केविन ओवेंस इस मैच को जीत जाते हैं। बट उसके बाद केविन ओवेंस सेथ रॉलिंस को चैलेंज करते हैं नो डिसक्वालीफिकेशन मैच में, बिकॉज वो इस तरीके से इस मैच का एंड नहीं चाहते थे। और उसके बाद ये मैच जो है वो नो डिसक्वालीफिकेशन मैच बना, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मैच था, और इन दी एंड जो है केविन ओवेंस ने फाइनली सेथ रॉलिंस को हराकर अपना रेसलमेनिया मोमेंट जो है वो देखा है उन्होंने। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मैच था, काफ़ी फिजिकल ये मैच था, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था जैसा कि एक्सपेक्टेड था इस मैच से। उसके बाद हमें देखने को मिला स्मैकडाउन के लिए टैग टीम चैम्पियनशिप मैच, जो कि ट्रिपल थ्रेट मैच था, और इस मैच में जो है मिज जो है वो पार्ट नहीं ले सके, क्योंकि जैसा कि मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ आप सबको कि मिज को फीवर था, जिस कारण वो नहीं पार्ट ले सके रेसलमेनिया में। सो मिस का नाम वापस जाने के कारण इस मैच की स्टिपुलेशन और सब कुछ जो है वो सेम था, बट थोड़ी बहुत इस मैचेस में चेंजेस करे, और वो ये करे कि तीनों टीमों से सिर्फ एक ही रेसलर इस मैच में पार्ट ले सकता था। तो कोफी किंगस्टर ने पार्ट लिया न्यू डेज की तरफ से, जिमी यूसोस ने पार्ट लिया उसोस की तरफ से, और फिर मॉरिसन थे मिज एंड मॉरिसन की टीम से। तो इन तीनों के बीच में एक लैडर मैच देखने को मिला, जो कि था टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए ही, और इन दी एंड मॉरिसन इस मैच को जीत कर रिटेन करते हैं अपनी स्मैकडाउन टैग टीम चैम्पियनशिप को। उसके बाद सैमी जैन डैनियल ब्रायन को हरा कर अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप को रिटेन करते हैं। इस मैच में भी ये अच्छा मैच था, टिक टाक मैच था ये, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग था, बट इन दी एंड ये मैच थोड़ा सा सही हुआ, और कुछ खास इस मैच में बात करने के बारे में था नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि शायद डैनियल ब्रायन इस मैच को जीतेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं और सैमी जैन ने इस मैच को जीत कर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप रिटेन की है। उसके बाद जो मैच था वो था यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए, जिस मैच से थोड़ी बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन थी, ब्रॉन स्ट्रोमैन और गोल्डबर्ग के बीच मैच था, और ये काफ़ी बोरिंग मैच था अगर पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो। सिर्फ दो ये मिनट का मैच था, जैसा कि गोल्डबर्ग के मैचेस ऑलरेडी छोटे छोटे होते हैं, बट स्टिल वो थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ये कुछ खास मैच नहीं था, बिकॉज हम काफ़ी टाइम से गोल्डबर्ग के ये सेम मैचेस देख रहे हैं, और सेम तरीके से उनके मैच स्टार्ट होते हैं, सेम तरीके से उनके मैच जो हैं वो एंड हो रहे हैं, तो काफ़ी बोरिंग सा ये हो गया है एक
फार्मूला जो हम देख रहे हैं गोल्डबर्ग के मैचेस में, तो कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, कुछ नया नहीं था। सेम उसी तरीके से गोल्डबर्ग के मैचेस घटे हैं, जिस तरीके से उनके मैचेस आजकल चल रहे हैं, दो दो मिनट के उनके मैचेस होते हैं। और दो ही मिनट का ये मैच था जहाँ पे इंडिया एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन इस मैच को जीत कर यूनिवर्सल चैम्पियन बन जाते हैं फाइनली। एंड देन उसके बाद गाइज आती है आज की मेन इवेंट, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था। और आज के दिन में अगर सबसे अच्छी चीज़ें हुई हैं तो वो इसी मैच में हुई है। और ये मैच था अंडरटेकर वर्सेस एजे स्टाइल, और ये एक बोनयार्ड मैच था। जैसा कि मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि ये मैच बरीड अलाइव ही था, इसका नाम चेंज कर दिया गया है तो इसे बोनयार्ड बोला गया है। और ये ग्रेवयार्ड के अंदर ये मैच था। और इस मैच में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिली। सबसे जो पहली अच्छी चीज़ देखने को मिली वो मिली अंडरटेकर की एंट्रेंस, काफ़ी ज़बरदस्त एंट्रेंस थी। और गाइस अमेरिकन बैडएज वाला कैरेक्टर अंडरटेकर का फाइनली वापस आ चुका है, जो कि काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से रूमर्स थी कि शायद अमेरिकन बैडएज अब वापस आएंगे। और फाइनली हमें अमेरिकन बैडएज वाला कैरेक्टर अंडरटेकर का वापस देखने को मिला। और वो आज का मोमेंट था जिस वक्त अंडरटेकर वापस आते हैं अमेरिकन बैडएज वाले कैरेक्टर में, तो वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी आज की। एंड देन उसके बाद एजे स्टाइल की एंट्रेंस भी काफ़ी ठीक ठाक ही थी। और उसके बाद ये मैच होता है, ये मैच ऑलरेडी टेप कर लिया गया था, पूरी रेसलमेनिया ऑलरेडी टेप कर ली गई है, तो एडिटिंग करके ये मैच को जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया गया, एक मूवी की तरह इस मैच को दिखाया गया। तो काफ़ी अच्छा ये मैच था, और जितना एक्सपेक्टेड था इस मैच से, अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा ये मैच था। हर एक चीज़ इस मैच की अच्छी थी, चाहे वो एंट्रेंसेस हो, चाहे वो मैच हो, चाहे वो एंडिंग हो, सब कुछ अच्छा था। उसी टीम के बाकी मेंबर्स इस मैच में इन्वॉल्व हुए, बट स्टिल वो कुछ कर नहीं पाए। एंड इन द एंड अंडरटेकर इस मैच को जीतते हैं और वो परेड करते हैं एजे स्टाइल को। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस मैच की वजह से आज का दिन जो है वो उतना ख़राब नहीं गया जितना जा सकता था। सो ये मैच के हिसाब से अगर मैं देखा जाऊँ तो इस पूरे शो को मैं 3 स्टार देता हूँ, और इस अकेले मैच को मैं 5 में से 5 स्टार देता हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मैच था, और आज का दिन उतना अच्छा नहीं था जितनी एक्सपेक्टेशन थी। और कल का दिन देखते हैं कि कल के दिन के जो बड़े मैचेज़ हैं उन मैचेज़ में क्या होता है और पूरा शो कल का कैसा जाता है। तो कल के लिए वेट करते हैं। और टिल देन गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि कल के हम जब रिव्यू करें आपको इसी चैनल पर मिल जाए। सो ये काफ़ी अच्छा शो था, और देखते हैं कल के शो में किस तरीके से मैचेस, एंट्रेंसेस और कुछ स्पेशल या कुछ शॉकिंग हमें चीज़ देखने को मिलती है। सो टिल देन गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट योर होम्स, स्टे सेफ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन।